क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में सुअर हराम है, तो अल्लाह ताला ने इसको पैदा क्यों किया? तो चलिए बताते हैं। ये बात है हजरत नूह अल इस्लाम के दौर की, जब हजरत नूह अल इस्लाम की कश्ती तूफान की मौजों के अंदर तैर रही थी। इंसानों के साथ कई तरह के जानवर भी हजरत नूह की कश्ती के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ पर पेशाब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में हजरत नूह और आपके साथियों को बड़ी तकलीफ होती। हजरत नूह अल इस्लाम में अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि हमारे परवरदिगार इस मुसीबत से हमें छुटकारा नसीब फरमा, तो अल्लाह ताला ने उस कश्ती के अंदर हाथी की दुम से नर और मादा सुअर को पैदा किया। सुअर की यह जोड़ी हजरत नूह की कश्ती में घूम फिरकर तमाम गंदगी खा जाती और कश्ती को बिल्कुल साफ कर देती। आज भी इस जमीन पर कई तरह की गंदगी ये जानवर खा जाता है, जिसकी वजह से इंसान बीमारियों से बच जाता है। अल्लाह ताला के हर काम के अंदर हिकमत है दोस्तों। वीडियो को लाइक